The information provided on the MeadowGiven platform is for general information and educational purpose only. All material taken from various sources for fair use. We don't support self-medications at any circumstances. Do consult with your doctor before use of any medication. Thank you. हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिसिन फॉर एक्नी एंड पिंपल्स। ये इस पे पहला वीडियो है। एक्नी और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए जो कॉमन मेडिसिन है, जो लिस्ट में पहले नंबर पे आता है, वो आपका है बेंजोल पेरोक्साइड जेल 2.5%। इसका एक ब्रांड नेम है पेरसोल एसी 2.5 जेल। इसका मैन्युफैक्चर हो गया वालिस फार्मास्यूटिकल और प्राइस 117 में अवेलेबल है। बेंजोल पेरोक्साइड के बारे में जानते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को ट्रीट करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड WHO लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में भी शामिल है। वालिस फार्मास्यूटिकल का एक और ब्रांड है जिसका नेम है पर्सोल फोर्ट क्रीम, जिसमें बेंजोल पेरोक्साइड के साथ सल्फर दिया है और सल्फर एक्नी को ट्रीट करने में एडिशनल मदद करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड का कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि जेल के फॉर्म में, सोप के फॉर्म में, फेस वॉश के फॉर्म में भी। इसमें कई स्ट्रेंथ भी अवेलेबल हैं, जैसे 2.5%, 5%, 4%। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लगाने से, यूज करने से आपको ईचिंग हो सकता है, जैसे खुजली हो सकता है, स्टिंगिंग हो सकता है, मतलब चुभने जैसा अनुभव हो सकता है, पीलिंग एंड रेडनेस ऑफ द स्किन। पीलिंग जैसे जो अपर लेयर होता है स्किन का, वो आपको छील सकता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, एंड स्किन में रेडनेस हो सकता है। अब देखते हैं डू एंड डोंट, मतलब जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे नोट फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, जिनका स्किन पहले से ही सेंसिटिव है, ड्राई है, वो ना यूज करें। और अगर आप फिर भी यूज कर रहे हैं तो आप इफेक्टेड एरिया में ही सिर्फ इसको यूज करें, जैसे जहाँ पे आपको पिंपल्स हुआ है सिर्फ वहीं पे लगाएं, पूरा फेस में आप ना लगाएं। नेक्स्ट, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, वो ना यूज करें। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसे आँख, नाक और मुंह में जाने से बचाएं, और अगर स्किन पे कहीं पे आपको कट है तो वहाँ भी लगाने से बचें। अगर फिर भी कहीं पे कट है, वहाँ पे चला जाता है, तो आपको ये इरिटेशन कर सकता है, इसलिए अधिक से अधिक वाटर से इसको साफ कर लें। अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड का डोज मिस कर देते हैं तो आप इसे स्किप ही कर दीजिएगा, इसे डबल डोज ना कीजिएगा। नेक्स्ट डे से जो आपका शेड्यूल है, जो आपको रिकमेंडेड है, वो शेड्यूल के हिसाब से आप उसको यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है, बेंजोइल पेरोक्साइड आपके बाल और कपड़े को ब्लीच कर सकता है, इसलिए इससे दूर ही रखें। और नेक्स्ट है, अगर आप फेशियल कराने का सोच रहे हैं, ये क्रीम यूज करते आवर में, तो आप कभी ना कराएं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्किन को सेंसिटिव कर देता है, और आप इसमें फेशियल अगर कराते हैं तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। इसको यूज करते दौरान फेशियल कराने से बचें।